अरे भेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे कट। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू डे टू ऑफ 30 कैरियर मोड्स इन 30 डेज। बाय द वे, आज हम लोग खेलने वाले हैं कैरियर मोड एज अ सचिन तेंदुलकर। अरे भेड़िया, एज अ क्रिकेट गॉड जब हम ये मैच खेलने वाले हैं तो ऑब्वियसली बात है इसमें स्टार्ट आईपीएल से ही हो रहा है, और आईपीएल से हो रहा है तो मतलब एमआई में रहने वाले हैं। सचिन सर को ऐसा टॉप पे भेज रहे हैं ये लोग या फिर ऐसा मिडिल में भेज रहे हैं? ऐसा तुम लोगों को अगर सेकंड पार्ट चाहिए तो इस पे 200 लाइक्स हो जाने चाहिए सचिन सर के लिए। एंड आगे अगर तुम लोग किसी और प्लेयर या फिर किसी सेलिब्रिटी का कैरियर मोड देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, वहाँ पे जी भर के कमेंट कर सकते हो। बस यहाँ पे चेंज ये होने वाला है, यहाँ पे सचिन सर को एंट्री मिल रही है तो प्लेइंग 11 में सचिन सर कहाँ पे है मेरे को ये देखना। ओके बट वेट, रोहित मैन की जगह पे यहाँ पे सचिन सर मतलब ऐसा आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। भाई हार्दिक पांड्या भाई ये गलत चीज है, आप ईशान भाई को बाहर, तिलक भाई को बाहर कर देते यार, ईशान को नंबर 3 की पोजीशन दे देते, रोहित मैन रहते तो यार थोड़ा मजा है, बट कोई बात नहीं है सही लेंगे यार। अगर हम कैप्टन होते ना तो पक्का हिटमैन को साथ में लेके चलते, बट कोई बात नहीं, हिटमैन को ऐसा इंपैक्ट में रखा है, हो सकता है बीच में लेके आए। चलो चलो चलो, पहला बॉल स्टार्ट करते हैं भाई, और क्या बात है, स्ट्रेट ड्राइव से स्टार्ट करा है सचिन पाजी ओपी इन द चैट गाइस। सचिन तेंदुलकर स्टार्ट करा है स्ट्रेट ड्राइव शॉट से, मतलब अलग ही एक खुशी होती है ना ऐसे ड्राइव शॉट खेल के, वो भी सचिन तेंदुलकर से, मजा सा आ जाता है। थोड़ी सी किस्मत खराब थी गाइस हमारी, और पहला स्ट्रेट ड्राइव लगाया यहाँ पे, बट दूसरा लगाने चले उसने लेंथ ही चेंज कर दिया। एंड पहले मैच में शुभमन गिल ने 56 पे 104 बनाया, एंड एमआई भाई आ गई है नंबर 9 पे। पहला मैच था कोई बात नहीं, थोड़ा सा हिचकिचाहट थी, नेक्स्ट मैच में निपटते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे एसआरएच ने टॉस जीत के बोल फर्स्ट लिया है, बाकी लास्ट टाइम हमने काफी ज्यादा गलतियां कर दी थी बट इस बार ट्राई करेंगे वो चीजें नहीं करेंगे। और क्या बात है, भूपी पाजी आते हुए इन स्विंग अंदर के साइड पे लाते हुए, और यहाँ पे हम कवर्स पे गए, 2 रन निकाले पहले बॉल पे, तो बाकी सारी चीजें एक तरफ है। जब पैट कमिंस आ जाए भाई तुम्हारा भूल जाता है। अब गॉड मोड ऑन करने की बारी आ गई है, तो गॉड मोड मैंने ऑन कर दिया फिलहाल, पैट कमिंस को 1 बाउंस चौके से स्टार्ट करते हुए। कोई बात नहीं, डाल ले बेटे बाउंसर, अभी आ जा बेटे, अब डालो बाउंसर, अब नहीं डाल पाएगा भाई, इसको वार्निंग पड़ी है, 1 पे वार्निंग पड़ा नहीं, अब आगे का भाई हमारे ऊपर छोड़ दो। एंड ये चीज़ तो मुझे पक्की पता है कि इस पे वार्निंग जरूरी पड़ा होगा, और पड़ा है तो अंदर बॉल लेके आया, अंदर लेके आया तो हम कवर्स पे गए, कवर ड्राइव शॉट और चौका। भाई पैट कमिंस को देख के अलग ही सुकून मिल रहा है, फिलहाल देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है भाई यहाँ पे शॉट आने वाले, पैट कमिंस अगर सामने आएगा तो शॉट तो आएंगे। ओके कवर ड्राइव शॉट का ट्राई, और अच्छा कनेक्शन, कवर ड्राइव टाइमिंग अच्छी है, सचिन तेंदुलकर एक और चौका, अच्छा स्टार्ट देते हैं लोग, इन लोगों ने तो बहुत ज्यादा ही अच्छा स्टार्ट दिया है। फिलहाल यहाँ पे एक और कवर्स पे शॉट, थोड़ा हवाई फायर करा है, 1 बाउंस चौका लगाया है, एंड शॉट भाई प्लेयर के व्यू से जो आते हैं मजे, 3 चौकों के बाद में एक अच्छा शॉट बॉल लेके आया, और उसका भी इसको वार्निंग पड़ गया, कोई बात नहीं हम लोग अपना गैप देखते चलते हैं, और एक अच्छा गट शॉट गैप में एक और चौका। ए बेड़िया थोड़ा साइड में आना। ओके ओके, अच्छी टाइमिंग, अच्छा कनेक्शन, अच्छा शॉट, और एक और चौका, 5 चौके मारे हैं भाई, बैट का ग्रिप निकाल के वो भी। ओके शान भाई डाउन हो चुके हैं फिलहाल, बोशी आए हैं सामने की साइड पे, एंड स्काई, और क्या बात है सचिन सर तुसी ग्रेट हो, एंड ये शॉट क्या है भाई, कवर्स के ऊपर से 6 लगाए यहाँ पे, एंड शॉट है भाई, शॉट है 19 पे 49 सचिन तेंदुलकर, बाकी इन स्विंग लेके आए थे यहाँ पे भूवी, बट कवर ड्राइव शॉट, अच्छा कनेक्शन, टाइमिंग के साथ में चौका लगाया, और 20 बॉल्स पे 50 कंप्लीट कर रहा है वो भी 265 की स्ट्राइक रेट से। शॉट का ट्राई करते हैं यहाँ पे, और शॉट का ट्राई नहीं करा है, सीधा इसको लॉन्च करा है और ग्राउंड के बाहर, पावर प्ले में 73/2, कोई बात नहीं है, अब लो डाल लो भाई बाउंसर डाल लो, मैं वही बोलता हूँ मत डाला करो, ये पहले मैच में हो गया था भाई, मतलब पहले मैच में हो गया था जो कुछ है, बट दूसरे मैच में पावर दिखानी थी, वरना इनको लगता ना भाई हल्के में ले रहे थे ये लोग। फिलहाल यहाँ पे एक और विकेट डाउन हो चुका है, एंड सामने की साइड पर नट्टू काका, और नट्टू काका आए तो हम स्ट्रेट गए हैं तो अच्छा शॉट है, चौका मिलेगा, शॉट बनता है, बस मैं वही बोल रहा था, अब कुछ ज़्यादा ही हो गई, अब शॉट बनता है,
शॉट लगाया स्प्रेड पे और चौका मिलेगा यहाँ पे। शॉट जो आया वो देखो क्या परफेक्शन, मयंक मारकंडे आए, देखते हैं। अरे बॉल है भाई, मारकंडे ओपी, अच्छा बॉल रखा उसने, बट कोई बात नहीं। फिलहाल यहाँ पे सचिन सर की स्किल्स काम आ रही हैं, मतलब एक टाइम पे लगा हाँ फंस गए, और इस बारी तो लग भी नहीं रहा था फंसे, तो फंसे भी नहीं, और चौका मिलेगा कवर्स पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गैप दिख रहा है यहाँ पे, और गैप दिख रहा था, गैप में गए हैं तो वहाँ से भी एक और चौका लेके आए। फिलहाल तो कहेंगे भाई इस ओवर में हमने काफ़ी अच्छा मारा है, और यहाँ पे भी शॉट अच्छा है, गैप अच्छा है, और पांचवा चौका। फिलहाल यहाँ पे एक चौके की ज़रूरत है, क्योंकि एक मतलब ऐसा पांच चौके आए हैं, बट ठीक है यार, छठा चौका तो नहीं आया, बट यहाँ पे हम दो का ट्राई करेंगे, दो का ट्राई करा है। एंड पहले मैच में 4 पे डाउन हुए थे, सेकेंड मैच में भाई 41 बॉल्स में 100, मतलब 41 बॉल्स में सेंचुरी भाई। एक वाइट से कोई मतलब नहीं बनता, बाकी देखते हैं। अरे शिट भाई, कोई बात नहीं यार, मतलब शॉट का ट्राई करा था यहाँ पे हमने, बट 103 ही आज यहाँ पे लिखे थे। हाँ गैप में था, मैं सोचा मतलब खेल देते हैं ऊपर से, बट 45 पे 103, वेल प्लेड सचिन सर रूपी इन द चैट गाइस। और क्या बात है भाई, सचिन सर को मिल गया यहाँ पे पहला प्लेयर ऑफ द मैच, मतलब अपना ये जो हम सीरीज लेके चल रहे हैं उस हिसाब से बात करते हैं तो प्लेयर ऑफ द मैच मिल गया। बाकी तो मुंबई इंडियंस वन बाय 10 रन, मतलब क्लोज मैच ही चला गया था। बाकी प्लेयर ऑफ द मैच सचिन तेंदुलकर 45 बॉल्स पे 103। नेक्स्ट मैच अपना राजस्थान रॉयल्स के साथ में है, बट उससे पहले हम स्टैंडिंग्स की बात करें, MI भाई अभी भी नंबर 8 पे चल रही है, अभी बहुत ज्यादा टाइम है, हालांकि दो ही मैचेस अभी हमने खेले हैं, बट CSK टॉप पे है, GT सेकंड है, DC थर्ड नंबर पे, RCB फोर्थ नंबर पे, तो अपने को ऐसे टॉप 4 में जगह तो बनानी है, बट देखते हैं। बट उससे पहले ओवरव्यू पे जाते हैं अगर हम, तो यहाँ पे क्या भाई तगड़ा स्कोर करा है भाई सबने, ट्रेविस हेड ने 107 करा है यार। बाकी मोस्ट सिक्सेस शुभमन गिल 7 सिक्सेस, सबसे ज्यादा शुभमन गिल ने सिक्सेस मारे हैं। बैटिंग स्टैट्स में अगर हम बात करेंगे तो सचिन सर 107 रन, क्योंकि पहले मैच में रन थे नहीं ना, तो इस वजह से दिक्कत है, बट हम ट्राई करेंगे आगे के मैचेस में अच्छा स्कोर करने का। फिलहाल नेक्स्ट मैच अपना RR के साथ में, तो गाइस यहाँ पे हम लोग ने टॉस जीत के बॉल फर्स्ट लिया, तो मतलब इस बार ही अपने को चेज करना है। ओके, तो ट्रेंड बोल्ट के हाथ में बॉल एंड 170 का टारगेट है, चलो ठीक है, पहला बॉल कोई बात नहीं है, बाकी चीजों से दिक्कत भी तो नहीं है ना, बाकी चीजों से दिक्कत है ही नहीं। लाल सचिन सर का शॉट आ चुका है यहाँ पे, लॉन्ग ऑन के ऊपर से सिक्स लगाया यहाँ पे, मतलब शॉट टाइमिंग कनेक्शन एंड क्या परफेक्शन है भाई। बोल्ट को यहाँ पे दो शॉट पड़े हैं, तो कुछ तो ड्राइव डिफरेंट ही करेगा, बट यहाँ पे कवर ड्राइव शॉट और अच्छे टाइमिंग के साथ में चौका लगाया सचिन सर भी, लाइक इस बार ही रिकॉर्ड बनाने आया हूँ। Yeah, shot है, straight drive, Sachin sir, one bounce चौका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और बात तो वैसे भी कोई नहीं है, फिलहाल तो शॉर्ट बाजी देखने को मिल लिया, 21 रन पहले ओवर पे। भाई सचिन सर से लोग जितना स्ट्राइक से ऐसा दूर रखेंगे ना भाई, उतना फायदा मिलने वाला है। अबे शिट, नहीं यार आवेश भाई क्या कर दिए तुम, बैकफुट गिरा क्या ही कनेक्शन, बट मुझे नहीं पता था यार, 7 बॉल्स पे 20 बना यहाँ पे, ठीक है यार, चेजेबल मैच है, चेज हुआ भी है, अच्छा खेला है तिलक वर्मा ने यहाँ पे 86 रन यार, 7 बॉल्स पे 20, ठीक है यार, बट ओके गाइस। तो दिल्ली ने यहाँ पे टॉस जीत के बॉल फर्स्ट लिया, इस वाले प्लेइंग 11 में अपने को ऋषभ पंत तो दिख रहे हैं, बट ये अदर लाइनअप उनका सामने वाली टीम का सेट है, अगर वो दूसरा T20 लाइनअप सेट होता। ओके, तो ईशांत शर्मा के हाथों में बॉल है, सामने सचिन बाजी, देखते हैं पहला बॉल, इजी पीजी स्ट्राइक रोटेट का जहाज हो रहे थे, बट कवर ड्राइव कनेक्शन अच्छा तो चौका लगा, कोई बात नहीं इजी खेल सकते हैं। ओके वही बोला था मैं, इजी खेल सकते हैं, कवर ड्राइव अच्छा कनेक्शन एंड एक और चौका, उसका वार्निंग ऑलरेडी पड़ गया है, और अब जो भी आएगा वो स्लॉट में आएगा और फिर कवर्स पे चौका जाएगा, हल्के में तो अब देखो किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं, फिर चाहे कोई भी। फिलहाल इस बारी कवर्स के ऊपर से सिक्स है भाई, क्या बात है, बहुत ज्यादा तगड़ी बैटिंग, पता नहीं भाई देखते हैं। ओके एक पैर उठाया और वन बाउंस चौका लगाया, दूसरे एंड पे शान भाई का विकेट डाउन है और स्काई आ चुके हैं, और स्ट्रेट ड्राइव एकदम स्मूथ शॉट है, बट क्या ये चौका है, अरे चौका होता तो ज्यादा प्यारा होता, बट कोई बात नहीं, क्या ही परफेक्ट। ओके सचिन सर ओपी इन द चैट,
और यहाँ पे बैक फुट पंच लग रहा है, काफी तगड़ा पंच है ये तो, पुल लग रहा है मुझे, मैं सही बताऊं तो ये पुल करा है। आधे से ज्यादा तो भाई इनके ऊपर प्रेशर ही है, तभी तो वाइड आ रहा है। और ठीक है, स्लॉट में बॉल लाए और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट, 11 पे 40, क्या बात है भाई। दोबारा एक्शन रिप्ले, एक बार डाउन द ग्राउंड क्रेजी शॉट बाय सचिन तेंदुलकर, क्या शॉट है भाई, एक्शन रिप्ले। क्या यहाँ पे एक और शॉट आ सकता है, और इस बार स्ट्रेट ना आके ऑन साइड पे सिक्स लगाया, और सिक्स के साथ में 13 बॉल्स में 50 कंप्लीट करा है। सचिन सर ओपन द चैट गाइस, कुलदीप आए गाइस सामने की साइड पे, एंड पहले मैंने मूड अलग शॉट का बनाया था बट गलती भी है। और नहीं, भाग के दो निकाले भाई, मैं पहले ऑन साइड पे खेलने गया, फिर एकदम से प्लान चेंज हुआ मेरा, एकदम से 0.01 सेकंड में मैं स्ट्रेट खेल गया, बट क्या बचाऊं भाई स्ट्रेट में, मैं यहाँ तक रेडी था ऑन साइड पे, यहाँ से मेरा प्लान चेंज हुआ कि मैं स्ट्रेट खेलूंगा, फिर मैं जो खेला भाई मुझे लगा गया भाई ये कनेक्शन बोल रहा है ये जा रहा है शॉट, बट एकदम से लगा नहीं ये नहीं हो सकता भाई, ये कैच हो सकता था, बट यहाँ पे मिच मार्स ने इसको अलग ही तरीके से पकड़ना चाहा, बट ये निकल के अगर चौका हो जाता ज्यादा सही रहता। क्या भाई क्या बचाइए, क्या ही बचाए, स्ट्रेट ड्राइव उतना अच्छा कनेक्शन नहीं है, बट और फुल टॉस बॉल कुलदीप, एक और गलती कर दी, अभी तक ठीक था टप्पा दिया था वहां पे, ठीक था थोड़ा दिक्कत हुई थी, बट फुल टॉस है तो भाई फुल टॉस तो फिर उड़ने वाला है, जब प्लेयर स्ट्रेट शॉट ज्यादा अच्छे ऐसा लगाना जानता हो तब तो यहाँ डाउन है, हम वो पैर देखा ही नहीं भाई, पैर का सीन है, पैर पे तो ध्यान ही नहीं दिया, पैर आगे भी बढ़ाता है प्लेयर, उधर से मैं ध्यान नहीं दिया, बट कोई ना, 22 पे 67, वेल प्लेड सचिन सर। और यहाँ पे एक और प्लेयर ऑफ द मैच सचिन सर को मिलता है, मतलब क्या ही बैटिंग चली यार, मतलब स्कोर भी तो देखो ना, स्कोर कितना तगड़ा कर रहे हैं, 22 बॉल्स में 67 मारे हैं, और यहाँ पे स्काई ने 59 बॉल्स में 67 मारे हैं, वो भी नॉट आउट। एंड अभी मैंने देखा भाई 8 नंबर पे जो MI चल रही थी वो नंबर 3 पे आ चुकी है, तो वही मैंने बोला था स्टार्ट के मैचेस में सीन होता है, बट सचिन सर नंबर 4 पे आ गए 194 रन के साथ में, काफी अच्छा फिलहाल स्कोर कर रहे हैं, एंड सचिन सर प्लेयर ऑफ द सीरीज में नंबर 2nd पे चल रहे हैं, बाकी तो सारी चीजें बढ़िया ही चल रही है अभी, और नंबर 1 पे शुभमन गिल, नंबर 2nd विराट कोहली, 3 पे डेविड वॉर्नर, एंड सचिन सर देन जॉस बटलर। नेक्स्ट मैच भी अपना RCB के साथ में होने वाला है, भाई ये मत कह दियो ये विराट कोहली है, भाई मैं नहीं खेलना फिर, ये मत कह दियो ये विराट कोहली है, ये कैसे विराट कोहली हो सकते हैं, इम्पॉसिबल थिंग। रॉयल चैलेंजर्स हैव चूजन टू बोल फर्स्ट, अरे ये विराट कोहली है, प्ले फेस ही पता नहीं क्या कर दिया भाई ये लोगों ने, एंड विकेट कीपर भी विराट कोहली को बना के रखा हुआ इन लोगों ने। रीस टोपले के हाथों में बॉल है, पहला बॉल देखते हैं सचिन तेंदुलकर, और पहला बॉल ही मतलब यॉर्कर, बढ़िया स्ट्राइक रोटेट, मैं जो शॉट का लास्ट टाइम सोचा था ना उस पर पानी फेर दिया, कोई बात नहीं इस बार ही मार लेंगे, वही तो बात है ना इस बार ही मार लेंगे, शॉट है और सिक्स भी आ गया बैट से। ओवरऑल देखो भाई काफी धीमा ही स्टार्ट होने दिया इन लोगों ने, 23 पे 1 डाउन है, यहाँ पे शॉट का ट्राई और कवर्स को ऐसा भेजते हुए गई है, कोई बात नहीं शॉट बनता है और तो हो रही थी स्टार्ट से ही, वो चीज लग रही थी, 11 बॉल्स पे 15 बनाए आज स्टार्ट से ही, थोड़ा कोई बात तो नहीं भाई यार मैच ही हार गए, और MI नंबर 5 पे आ गई, RCB 3 पे आ गई, भाई CSK पोजीशन नहीं छोड़ रही है ना, GT पोजीशन छोड़ रही है, एंड नेक्स्ट मैच भी CSK के साथ में है। मेन इंटरेस्ट तो भाई मुझे ऐसा प्लेइंग 11 देखने में आ रहा है, मतलब क्या तगड़े तगड़े प्लेइंग 11 है, कुछ कुछ टीम्स के जैसा अलग होते हैं ना, एल क्लासिको मैच है तो मजा तो आने वाला है, और यहाँ पे तगड़ा स्कोर भी करना है अपने को। चेन्नई हैव चूजन टू बोल फर्स्ट, और सामने अगर मैं प्लेइंग 11 देखूं MSD है भाई, MSD एज अ विकेट कीपर है या फिर डेविन कॉनवे है, यहाँ पे भी फिलहाल ये चीज तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पे जर्सी नंबर, अरे डेविन कॉनवे एज अ विकेट कीपर है, मतलब माई भाई आस पास नहीं लगे होंगे फील्डिंग पे, भाई ये गेम कुछ भी सेट करके दे देता है, बट कोई बात नहीं, मुस्तफिजुर रहमान, ओके गैप में ईजी इजी पीज पहला चौका बैट से, फिलहाल गैप का अगर मैं बोलूं तो मैं कवर्स पे देखता हूं, ओके मैं बोला ही था कवर्स पे देखता हूं, कवर्स पे अच्छा गैप बर्ड, अभी गैप से मतलब ने स्टैंड एंड डिलीवर शॉट है, इसकी हालांकि बॉलिंग अच्छी है बट कोई ना, शॉट के मूड में फिलहाल यहां पे सचिन सर, और इस बारी ग्राउंडेड कवर्स पे चौका, दो लगातार अच्छे शॉट के साथ में बैटिंग, और यार Amazoni के हाथों में कैच चला गया, शिट भाई प्लान कर दिया था क्या यहाँ पे,
अबे मुझे लग रहा था पक्का पक्का वाली प्लानिंग थी, कैच भी एमएस धोनी के हाथ में गया। ये मैच जीत जाना, ये हम तो मत ही हारियो, ये हार गए तो सीन है। हार्दिक पांड्या हो गए प्लेयर ऑफ द मैच, मुंबई इंडियंस बॉन बाय 6 रन। सबसे ज्यादा एमएसडी ने स्कोर करा था 17 बॉल्स में 38, वो भी ऐसा नॉट आउट, बट वही बात है 6 रन से मैच जीत के भाई मजा था। बट सीएसके से मैच जीते क्योंकि सीएसके ऑलरेडी टॉप पे चल रही है। एक मैच अगर हम लोग भाई कितना बड़ा इंपैक्ट डाल दिया, हम लोग एक मैच हरा दिया, सीएसके नंबर 3 पे आ गया और हम लोग नंबर 4 पे आ गए नंबर 5 से, आरसीबी को फिर से बाहर कर दिया। लाल आरसीबी से कोई दुश्मनी नहीं है बट भाई अपने को भी तो देख के चलना है थोड़ा सा। नेक्स्ट मैच अपना पीवीकेएस के साथ में लुधियाना में मैच होने वाला है। पंजाब किंग्स यहाँ पे टॉस जीत के बोल फर्स्ट लिए और प्लेइंग 11 तो रियल जैसा ही देख सकते हो, शायद कुछ चेंजेस वगैरह हो। इससे बारी कुछ भी हो जाए, अगर सेंचुरी नहीं आया तो भाई मैं नहीं, फिर सीन हो जाएगा। फिर इस बारी सेंचुरी बनता है, कगिसो रबाडा। अरे मैं बैट पे लगी नहीं है क्या चांस, मैं नहीं मान रहा भाई, ये तो समझ में आ रहा है प्लानिंग अच्छी है रबाडा की, बट अपनी भी कोई बैटिंग बुरी नहीं। और ये शॉट लगाने का ट्राई है, कवर्स पे आया है, वन बाउंस चौका। एंड आज शायद ना डिफिकल्टी दिखाई, बट लेजेंड आर्टिस्ट है कोई भी सीन नहीं है, मतलब थोड़ा गैप देखना पड़ेगा और गैप देखा है तो भाई फिर तो शॉट आने वाला है और सिक्स मिलेगा यहाँ पे। कभी कभी वो लाइन से भी आगे ऐसा क्रॉस कर जाते हैं शॉट के ऐसा खेलते टाइम। फिलहाल यहाँ पे शॉट अच्छा है ऑन साइड पे, वन बाउंस चौका। भाई इस मैच में भी अच्छा स्कोर नहीं करा तो कहाँ पे ही करेंगे, तो यहाँ पे तो कर रहे हैं। फिलहाल कवर्स पे वन बाउंस चौका, बैक टू बैक दो चौके, कोई बात नहीं। बाउंसर आया और वार्निंग भी साथ में। और भाई अर्षदीप बॉलिंग अच्छी है, मैं बोल दिया भाई बॉलिंग अच्छी है, अर्षदीप अच्छी बॉलिंग कर रही है भाई अर्षदीप, मतलब जिस चीज में फंसाना चाहिए अर्षदीप ने फंसाया है, स्लोअर बॉल डाला है और वहां पे हम फंसे हैं। ईशान किशन प्लेयर ऑफ द मैच, और क्लोज ही क्लोज जीतना है, 9 रन से जीते हैं, पिछला 6 रन से जीते थे, कोई बात नहीं यार फिर भी अच्छा खेले। आर के साथ में फिर से नेक्स्ट मैच, आई थिंक आर के साथ में एक मैच अपना हो चुका है। अभी स्टैंडिंग्स की बात करी जाए तो MI सेकेंड नंबर पे आ गया, सबसे तगड़ी चीज है। CSK अभी नंबर 3 पे चली, LSG टॉप पोजिशन पे, GT नंबर 4, RCB नंबर 5 पे चल रही है। स्टैंडिंग्स में अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे सचिन सर ने ऐसा स्कोर तो करा नहीं है ना, तो प्लेयर तो सीरीज में सचिन सर का नाम नहीं है, बैटिंग में देखा जाए सचिन सर का नाम नहीं है क्योंकि अभी 2 मैचेस में बैटिंग स्टैटिक्स में मैं अगर, अरे नहीं यार मतलब वैसे 3, 2, 5 टॉप 6 में अगर बात करी जाए तो अपन आ रहे हैं, मतलब 6 नंबर पे 246, एक मैच में एक सेंचुरी आ जाए तो यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं भाई, हम लोग सीधा जंप मार के नंबर 3 पे आ सकते हैं। 2 मैचेस में 2 सेंचुरी आ जाए भाई बातचीत बन गई, बट ट्राई करेंगे नेक्स्ट मैच अपना RR के साथ में। बाकी गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी हो तो इसके सेकंड पार्ट के लिए 200 लाइक्स कंप्लीट कर देना। बाकी तुम लोगों से मिलते हैं किसी और प्लेयर या फिर किसी के कैरियर मोड के साथ में, तो तब के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय एंड राधे राधे। Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey.